महानगर में साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रविवार को मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने महानगर के वार्ड संख्या 25 तुर्कमानपुर और 23 अंधियारी बाग में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए नगर निगम के संबंधित अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। नालियों, सड़कों, सामुदायिक शौचालय के नियमित सफाई करने के सख्त निर्देश दिए, अन्यथा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दिया। वार्ड संख्या 23 में सफाई व्यवस्था पर रोष प्रकट करते हुए सुपरवाइजर विध्यांचल के प्रति कड़ी नाराजगी जताई तथा उनके वेतन बाधित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने वार्डों के निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिए कि जहां कहीं भी बाउल शौचालय पाया जाए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उसे समाप्त किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नालियों की सफाई के पश्चात निकाले गए मलबे कूड़ा को सड़क पर न रखते हुए कूड़ा गाड़ी में रखा जाए, कहीं भी सड़क के किनारे कूड़ा मलबा नहीं दिखना चाहिए। आयुक्त ने तुर्कमानपुर में सामुदायिक शौचालय नॉर्मल टैक्सी स्टैंड पर सफाई कर्मी नहीं पाया तथा शिविर टूटा होने और शौचालय के पीछे नाली में गंदगी के गिरने के अति गंभीरता से लेते हुए साथ चल रहे नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखें और जो कर्मी अपने दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही बरतता हुआ पाया जाए उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र सहित नगर निगम के अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने कहा, ट्रॉली में भी पड़ता है और सब लोग अपना डाल भी जाते हैं, लोगों की बात नहीं करते, सफाई कर रहे हैं, सफाई करके कचरा ट्रॉली में डालते हैं, साथ मेरी साथ सबकी साथ चलती है। बाकी जगह तो नहीं देखती हमको, यहाँ अलग से नहीं, अलग से नहीं, बाकी लोग अपना अपना कुछ सूखा कूड़ा है जैसे इस टाइप का, तो इसको लोग सीधे डाली में ही पड़ना। पीछे तो नहीं, सीधे डालने के लिए सीधे उठाओ, ठेला आ जाए तभी उठा के डालो, बाहर मत रखो। आपको ये बात कराएंगे क्यों नहीं, बार में समस्या बता दे बाहर जगड़ते हो, बाहर राजेश भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए,
राजेश बनाए ना वहाँ जाया करो। सब लोग शौचालय के अंदर छोटे छोटे बच्चे तो नहीं जा पाते हैं, बच्चे हैं भाई छोटे छोटे तो नहीं जा पाते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं तो कोई नहीं कर। घरों में जाता है पानी, साल पहले सफाई कराई, महीने निकल नहीं रही, कैसे पड़ जाता है ठीक निकली, आगे पूरा जाम है, मैंने कई बार अभी आपने आगे जाम है पूरी तरीके से, हर जन्मअष्टमी में आपने देखा मूर्ति है ना, अरे उससे पहले यही आगे जाम अभी निकला बता रहे हैं, आगे जाम रूट हम बता रहे हैं, हम देखा ना यही जाम कसम से कहता हूं, पानी का ये आलम होता है, जब पानी बरसात में बरसता है एकदम जो भी मामला है घरों में जाता है पानी, सामने हमारा घर है हम उससे जूझ रहे हैं, हर बरसात में हम कपड़ा लगता है, बरसात बताओ चाय बताओ यही सर की नहीं नहीं टोटली रिस्पॉन्स जवाब दे रहा है ना, जवाब क्या देंगे यही कर्मचारी बोलते होते हैं, सही बात बताओ ना, है क्या मामला बताओ, तो बात अगर अपनी आप अपनी बताओ, हम महिला तुम्हें सफाई करना है, उनका पुत्र कर रहा है, बताओ ये सच्चाई, आप भी हमने नहीं कर आप महिला आप भी मत बोलिए, हमसे जानना चाह रहा है सरकारी कर्मचारियों का काम सफाई करना है, उनको दिक्कत क्या है, तुम्हें कौन सा राजनीति पढ़ना है, तुम सफाई करो अपना चुपचाप चले जाओ, तो यही करते हैं, सफाई तो तुम्हारी दिख नहीं रही है, कर्मचारी सारे आते हैं कुछ गायब रहते हैं, कुछ गायब रहते हैं क्यों आते नहीं है, कौन कौन नहीं आते हैं, अरे भाई साहब पीछे तबियत खराब है, जान मोहम्मद के नहीं आते वो सब नहीं आ रहा, इधर कितने दिन से आर्मी मारने भाग जाता हूँ, जल्दी आदमी 8 बजे 6:30 बजे के बाद आदमी मिलता नहीं जाता, मजा नहीं है, 5-7 घर इधर है वो है, तो खाली फट जाने से पानी होगा सफाई व्यवस्था के लिए दिए थे कि किस प्रकार सफाई करना चाहिए, डस्टबिन को कैसे मैनेज करना चाहिए और नाली व साफ करके कूड़ा किस प्रकार डालना चाहिए, नियमित रूप से लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो सभी निर्देशों का पालन देखने के लिए भ्रमण किया था और कुछ जगह कुछ सुधार मिला, कुछ जगह कमियां मिली, तो उसके लिए पुनर्निर्देशित किया है, कुछ जगह कार्रवाई भी की जा रही है।